हेलो माय डियर स्टूडेंट्स कई स्टूडेंट का हमारे पास मैसेज आया कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या पढ़ना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ये 2022 और 23 बैच इस बैच में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से नाइन मार्क्स नाइन मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा नौ नंबर का है ये चैप्टर ये नौ नंबर का चैप्टर है 2022-23 बैच इस बैच के लिए तो, तो मैंने इसको नाइन मार्क्स कैसे लाया जा सकता है इसके लिए हमने सेपरेट आपको ये मैं बता रहा हूं कि कैसे कैसे आप तैयारी करेंगे कि नाइन मार्क्स आ जाएगा देखिए न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नोमेरिकल दो न्यूमेरिकल कम से कम दो न्यूमेरिकल आएगा एक न्यूमेरिकल आएगा तीन नंबर का एक न्यूमेरिकल आएगा दो नंबर का जो थ्री मार्क्स का न्यूमेरिकल है ये न्यूमेरिकल आपको पूछेगा नर्स इक्वेशन से नर्स इक्वेशन से पूछेगा ठीक है या ये ये भी पूछ सकता है कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी, और मोलर इस फॉर्मूले को यूज करते हुए पूछ सकता है ठीक है तो ये थ्री मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा आपको थ्री मार्क्स में नर्स इक्वेशन का न्यूमेरिकल तो आप हंड्रेड परसेंट कर लीजिए तो न्यूमेरिकल पार्ट में आप करेंगे क्या क्या एक तो नर्स इक्वेशन ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन से न्यूमेरिकल है एक गिव फ्री एनर्जी का न्यूमेरिकल है और कंडक्टिविटी मोलर कंडक्टिविटी का न्यूमेरिकल है और इस तरह से इक्लियम कांस्टेंट वाला न्यूमेरिकल है ठीक है तैयार करना है एक जो फॉर्मूला इसी में आता है या आपका कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन जिसके अंदर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दैट इज आर इज कल टू रो एल अपॉन अब आर इज कॉल्ड कंडक्टेंस और कंडक्टेंस जी से रिप्रेजेंट किया जाता है जी कल टू वन अपॉन आर ए इज कल टू ए अपॉन रो एल और ये इज कल टू के कापा ए अपॉन एल ए अपॉन एल। ये भी फॉर्मूला है देखो तो इन, इन इस ये भी एक फॉर्मूला है इन सभी फॉर्मूले को यूज करते हुए भी, भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है तो ये क्वेश्चन तीन नंबर में

दो नंबर का क्वेश्चन पूछेगा प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल प्राइमरी सेल में भी जो आपका प्राइमरी सेल के अंदर ये जो पूछेगा वो आप रिएक्शन याद रखिए कैथोड पर क्या रिएक्शन होता है एनोड पे क्या रिएक्शन होता है वो रिएक्शन याद रखना है ठीक है इस तरह से हम सेकेंडरी बैटरीज की बात कर रहे हैं तो प्राइमरी में सेल 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 है जिसको हम ड्राई कहते हैं तो सेल का एनोड रिएक्शन कैथोड का रिएक्शन ये लिखना है प्राइमरी सेल में ही मर्करी सेल है प्राइमरी सेल का मतलब क्या एक बार यूज करो फिर उसको फेंक दो सेकेंडरी मतलब रिचार्जेबल होता है तो प्राइमरी सेल में प्राइमरी सेल में दो तरह का सेल आता है एक हो गया आपको लेक सेल या ड्राई सेल और दूसरा हो गया मर्करी सेल इन दोनों सेल का केवल कैथोड और एनोड का रिएक्शन आपको याद रखना है सेकेंडरी बैटरीज में सेकेंडरी जो बैटरी है इसमें क्या आता है लेड स्टोरेज सेल आता है लेड स्टोरेज सेल में एनोड और कैथोड का केवल रिएक्शन याद रखना है केवल रिएक्शन याद रखना है और एक निकल कैडमियम सेल है उसका एक एक रिएक्शन याद रखना है बस और फ्यूल एक फ्यूल टॉपिक है फ्यूल इसका भी फ्यूल टॉपिक में भी ये रिएक्शन कैथोड और एनोड का है और ओवरऑल रिएक्शन ये रिएक्शन याद रखना है ठीक है तो ये आपका दो नंबर का क्वेश्चन है टू मार्क्स का क्वेश्चन पूछे गए राइट बचा दो नंबर दो नंबर में फिर अगला दो नंबर चूंकि तीन दो पांच दो सात दो नौ नाइन मार्क्स का ये चैप्टर है दो नंबर में कोई डिफिनेशन पूछ सकता है जैसे मान लो कि कैथोड एनोड के बारे में पूछेगा कैथोड से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो किधर से किधर होता है तो उसमें इलेक्ट्रोड या आपको जो हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में पढ़ाते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ये सारी चीजें मिल जाएगी आपको कि कैथोड से एनोड की ओर और एनोड जैसे एनोड से कैथोड की ओर एनोड से कैथोड की ओर क्या होती है करंट करंट नहीं इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है और कैथोड से एनोड की ओर करंट फ्लो होता है तो इसका एक इंफॉर्मेशन होना चाहिए आपके पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल डायग्राम के साथ हमने इस वीडियो में समझाया है और डेफिनेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है ईएमएफ क्या है

वो भी वही क्वेश्चन करना है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं जो क्यू है प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उन क्वेश्चन को आपको करना है आप सबके पास जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनको जरूर कीजिए वही क्वेश्चन देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का न्यूमेरिकल केमिकल कैंडीस का न्यूमेरिकल और सॉल्यूशन का न्यूमेरिकल एनसीईआरटी का केवल एग्जाम्पल इंटेक्स एक्सरसाइज में जो तीन स्टेप में आंसर होता है वही क्वेश्चन को ज्यादा टच करना है बड़े बड़े क्वेश्चन को नहीं करना है वो क्वेश्चन कभी आएगा ही नहीं ना कभी आया है ना आएगा आगे भी तो ये तीन नंबर के क्वेश्चन में आपको मैक्सिमम तीन से चार स्टेप में खत्म होना चाहिए अब थोड़ा सा हम लोग ये ध्यान दें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये तो खैर थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में मैंने गैल्वेनिक सेल है इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है

इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम गैल्वेनिक सेल कहते हैं अब यही हमारा डेनियल सेल है ठीक है तो इसमें हम आगे और देखते हैं ये देखो जैसे ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का पूरा का पूरा ये एक्सप्लेनेशन है ये जैसे हम अभी मैं बताया था ना कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन है इसको ध्यान से हल्का सा सुन लीजिए ये आपका एक बीकर ले लिया एक दूसरा बीकर लिया इस बीकर में ये, ये आपको सॉल्ट ब्रिज है यू ट्यूब है ग्लास का बना हुआ है सॉल्ट ब्रिज तो देखिए मैं एक चीज आपको बताया लोन लोन क्या है लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड निगेटिव ये लोन है लेफ्ट साइड तो में क्या होगा ऑक्सीडेशन तो राइट right साइड में क्या हो जाएगा रिडक्शन लेफ्ट साइड में एनोड लेफ्ट साइड में नेगेटिव ये हो गया तो करंट फ्लो होता है एनोड से कैथोड की ओर सॉरी जो हमारे एनोड से कैथोड की ओर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है ये ध्यान दीजिएगा ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर से किधर होता है एनोड से कैथोड की ओर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है राइट और करंट का फ्लो जो होता है ये करंट है करंट का फ्लो किधर से किधर होता है कैथोड से एक ऑक्सीडेशन में जिंक सल्फेट लिया तो ये क्या होता है सॉलिड से एक्वस में कन्वर्ट होता है क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ऑक्सीडेशन में रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है एक्व से सॉलिड की ओर ये जो है सो कन्वर्ट होता है तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ये आपको आना चाहिए तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने आपको नर्स ये बताया तो इसमें करना क्या क्या है पढ़ना क्या क्या है देखिए मेन चीजें ये है नर्स इक्वेशन है ये सेल है गिवस एनर्जी है इक्विबरियम कॉन्स्टेंट है ठीक है ना एक पार्ट जिससे ये नोमेरिकल पार्ट है जिसमें आपको ये तीन से पांच नंबर का नोमेरिकल इसमें आएगा

जिससे हमने बोला कि दो नंबर का क्वेश्चन कन्फर्म है इस टॉपिक से अभी मैंने बताया आपको सेल 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 इलेक्ट्रोकेमिकल लॉ नंबर आपका यहां से हो गया तो ये सारी चीजें हमने आपको बता दिया पहले भी हमने एक्सप्लेन करके बता दिया कैलवेनिक सेल में देखिए आपको मैंने बताया था ऑक्सीडेशन जो जिंक सल्फेट का और कॉपर सल्फेट की जो हमने बात किया था ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन में जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है सॉलिड से एक्वस की ओर होता है और सेल के फॉर्म में ये ऐसे लिखना होता है एक स्लैश का मतलब कन्वर्ट सॉलिड से एक्वस एक्वस रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है जो से सॉलिड की ओर होता है ये एक्वस से सॉलिड को कन्वर्ट करना है ओवरऑल सेल के फॉर्म में ये वाला लिख दीजिए सॉलिड से एक्वस और एक्वस टू सॉलिड ठीक है ना ओवरऑल रिएक्शन ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों मिलाकर के Zn प्लस यू टू प्लस गिव जेड एन टू प्लस प्लस ये रिडॉक्स रिएक्शन हो गया ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन ठीक है तो ये हमारे गैल्वेनिक सेल में जो हमने बताया था वो यहाँ पर आपको मैं हल्का सा हिंट्स दे दिया हूँ कि ऑक्सीडेशन एनोड होता है ये नेगेटिव होता है पोटेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू द सॉल्यूशन दूसरा हमारा तो ये क्या हो गया लेफ्ट साइड में होता है तो हमने बताया लोन लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव वो इसका बारे में राइट right साइड में बाकी इससे हट हटके आओ तो राइट साइड पॉजिटिव होता है रिडक्शन होता है कैथोड होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है पोटेंशियल डिफरेंस देखो ये याद रखना जरूरी है दो नंबर में डिफिनेशन डिफरेंस बिटवीन बिटवीन डिफरेंस डेवलप बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स एंड द इलेक्ट्रोलाइट्स इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ठीक है तो ये दो नंबर में पूछा जा सकता है इस तरह से सेल पोटेंशियल पोटेंशियल क्या है डिफरेंस तो बिटवीन ये सारे दो दो नंबर का होता है मैंने दो नंबर में कोई भी दो अलग अलग पूछेगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड सेल पोटेंशियल जिसको मेजरमेंट इन वोल्ट्स वी से करते हैं डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल राइट जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब क्या हो गया कैथोड और एनोड राइट जिसमें नो करंट फ्लो तो ये किसका डेफिनेशन है ईएमएफ e का डेफिनेशन है ये डेफिनेशन ईएमएफ e का है बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये डेफिनेशन याद रखना ईएमएफ e का डेफिनेशन है राइट ईएमएफ e का डेफिनेशन है इस तरह से हमने सेल पोटेंशियल ये कोई एक ओवरऑल रिएक्शन ले लिया और ये सेल के फॉर्म में लिख लिया

तो ये हो गया रिप्रेजेंटेटिव सेल तो ये थोड़ा सा ये आप uh, पढ़ लीजिएगा इसके अलावा हम नेक्स्ट आते हैं अगले टॉपिक टॉपिक में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक देखिए ये जो हमने आपको समझाई दिया है दोबारा ये स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं ऑक्सीडेशन ओवरऑल सेल ये हमने ऑलरेडी बता दिया आपको ये एक बार और देख लीजिए मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है एसएचई 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 क्या करता है कि किसी भी मेटल को मेटल का जो इनोट वैल्यू कैसे निकाला जाता है इससे डिटरमाइन किया जाता है मेजरमेंट की जाती है कि उसकी क्या वैल्यू है एक स्टैंडर्ड वैल्यू जो वोल्ट में आती है तो ये एसएचई के लिए ये हमारा क्या है ये सेल फॉर्म में लिखा जाता है प्लेटिनम एच टू गैस से एच प्लस ये लिखा जाता है ये एक है सिस्टम है ये प्लेटिनम कोटेड है ठीक है ना ये एच प्लस कंसेंट्रेशन है वन मोलरिटी का और ये ऐसे हो गया तो जिसका भी हमें निकालना है इसे हम कनेक्ट कर देते हैं किसी भी हाफ सेल रिएक्शन का कनेक्ट कर देते हैं तो उसकी वैल्यू निकल जाती है कि, कि कितनी वोल्ट uh, है तो उसके लिए ये मेजरमेंट के लिए होता है नर्स इक्वेशन में आपको ये मैं रिएक्शन है जिस रिएक्शन से हमने बोला कि नंबर का क्वेश्चन आएगा ये रिएक्शन आप याद रखिएगा तो मेनली फाइनल जो हमारा रिएक्शन है इक्वेशन है ये है इस पर नोमेरिकल आपको करना है नोमेरिकल इस पर करना है ठीक है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है अब इक्लेवरियम कॉन्टेंट फ्रॉम नर्स इक्वेशन ये पूरा डेरिवेशन आपको नहीं आना चाहिए मेन है इस क्वेश्चन पे आपको न्यूमेरिकल करना है ठीक है ना तो तीन नंबर या दो नंबर का जो क्वेश्चन आएगा न्यूमेरिकल वो इसके आधार पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो न्यूमेरिकल है ये न्यूमेरिकल आपको करना जरूरी है दूसरा अभी मैंने आपको बताया था कि ये न्यूमेरिकल है जो दो नंबर का क्वेश्चन लेकर आएगी डेल्टा आरजी नॉट इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट से एफ क्या है फैराडे है एन क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो लॉस हुआ ऑक्सीडेशन में और डेल्टा आरजी नॉट स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी है तो इसके आधार पे एक ये फॉर्मूला भी आई है इस फॉर्मूले से भी क्वेश्चन आपको दो नंबर का पूछा जा सकता है तो ये फॉर्मूला एक साथ मैंने आपको बताया कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन ये फॉर्मूला है आर डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड ए क्रॉस सेक्शनल एरिया तो ये हो गया हमारा रेसिस्टिविटी जिसको बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऐसा यूनिट ओम मीटर और ओम सेंटीमीटर होता है इस तरह से इनवर्स ऑफ रेसिस्टेंस आर हो गया जो कॉल्ड कंडक्टेंस जी इज कल टू वन अपॉन आर दैट इज ए अपॉन रो एल ए अपॉन एल हो गया तो इस तरह से लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी जो हमारा फॉर्मूला है लेमडा एम लिमिट ये मोलर कनेक्टिविटी इज कल टू कपा अपॉन सी यानी कंडक्टिविटी अपॉन कंसेंट्रेशन हो गया फाइनल जो हमारा न्यूमेरिकल फॉर्मूला हो गया ये हो गया

डेल्टा तो भी टू पॉइंट थ्री जीरो वाली कराया गया आपको तो जो भी है ये क्वेश्चन एक और है, इस ये, ये क्वेश्चन है लेमडा एम यानी मोलर कनेक्टिविटी इसमें इस सारा वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है वैल्यू पुट करना है और कप्पा निकालना है कप्पा निकालना है कैलकुलेट कंडक्टिविटी ऑफ पहले एस एच है है तो, इस तरह से आपको निकालना है, तो उस, उसके सिस्टम के साथ ये सेटअप डाल दिए सॉल्ट ब्रिज डाल दीजिए तो उसकी वैल्यू निकल जाती है बस थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन रखना है ज्यादा नहीं रखना है तो ये आपने ये आपने देखा ठीक है तो एक रिवीजन है आपको ये रिवीजन है और कुछ नहीं है रिवीजन है तो जो हमें देखना है इस तरह से इसी का सेम रिवीजन है बस इसमें ज्यादा कुछ नहीं है सेम रिवीजन है जो आप पढ़ चुके हैं ठीक है अब कुछ क्वेश्चन है जो आपके सामने है फिर क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते रहिएगा नर्स इक्वेशन से देखो क्वेश्चन कैसे आता है राइट द नर्स इक्वेशन एन एफ ऑफ द फॉलोइंग दिली एट के ये क्वेश्चन हमने दो यहाँ पर रखा है ये तो ये आपको सेल के फॉर्म में ये लिखा गया है और ये नर्स इक्वेशन का फॉर्मूले के आधार पर सेट किया गया है और ये ई नॉट सेल की वैल्यू ऑलरेडी गिवेन है राइट तो ये ये वैल्यू गिवेन होती है

में बहुत इजी है आप देख लीजिएगा नोट सेल की जो रिया रहेगा ना वैल्यू सेम वही वैल्यू आपको आएगी फाइनल आंसर उसी से आगे पीछे आप लिख सकते हैं डायरेक्ट तो ये न्यूमेरिकल है जो उसी से रिलेटेड रे, रे, आपको कराया गया है ठीक है तो ये प्रैक्टिस है प्रैक्टिस करना है आपको जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा आपको बेनिफिट होगा उतनी ज्यादा बेनिफिट ठीक है तो इस तरह से बहुत शॉर्ट फॉर्म में आपको बार बार इस एक चीज को ये हमने समझा रहे हैं जो आप ऑलरेडी आपको हमने बता दिया है कई बार तो ये स्क्रीन पर बार बार इसलिए दिखा रहे हैं कि आपको याद हो जाना चाहिए सारी चीजें याद हो जाए ठीक है इस तरह से थोड़ा सा गिप्स एनर्जी की हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिव्स एनर्जी जैसे ये फॉर्मूला हमने आपको बताया ठीक है ना इस फार्मूले पे दो नंबर का क्वेश्चन हम बताया आपको कि आएगा ही आएगा तो इस फॉर्मूले के यूटिलाइज करो आप ठीक है कैसे यूटिलाइज करेंगे तो यहां पर जैसे ये न्यूमेरिकल भी हमने कुछ किया है अब देखो अब ये कैलकुलेट द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस तो ये वैल्यू दिया हुआ है E नॉट सेल की वैल्यू दिया हुआ है तो इसी के आसपास आंसर आएगा फाइनली लेकिन फॉर्मूला लिखना वैल्यू पुट करना नहीं भूलेंगे आप ठीक है तो ये कुछ न्यूमेरिकल है जो आप इजीली कर सकते हैं अब यहाँ पर देखो ये लॉग की वैल्यू ये वन से टेन तक हमने लिखा है ये लॉग लॉग की जरूरत पड़ती है तो थोड़ा सा इसको भी याद रखिएगा एक अपना तरीका बना लीजिएगा उस, उस टेक्निक से याद कर लीजिएगा ठीक है अब इस वीडियो में ये बड़ा हो जाने के कारण मैं ज्यादा आपको नहीं समझा पा रहा हूँ लॉग कैसे निकाला जाता है आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए ठीक log 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 है तो ये मैंने कुछ एग्जाम्पल देकर समझाया है तो वीडियो बड़ा हो जाएगा इसलिए हमने आपको ज्यादा इसमें नहीं बता रहा हूँ ठीक है तो चलिए हमने आपको एक समरी फॉर्म में बता दिया कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की तैयारी कैसे करेंगे किस तरह से करेंगे ठीक है? तो इसी तरह से आप फॉलो कीजिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और आप पूरे नाइन मार्क्स आपको आ जाएंगे अब यहां देखिए सेल कॉन्सेंट सेल कॉन्सेंट जो जी स्टार इज कल टू एल अपॉन एन डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स अपॉन एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड्स ठीक है ना रेशियो ऑफ द डिस्टेंस टू पैरल इलेक्ट्रोड सेलिया ऑफ द इलेक्ट्रोड तो ये सेल कॉन्स्टेंट ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इससे न्यूमेरिकल भी आ सकता है वैल्यू फुट करने के लिए आ सकता है तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है ये रिलेशन बिट्वीन भी पूछ देता है कभी कभी तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है दो नंबर का क्वेश्चन ये सब इन फॉर्मूले से हो सकता है वोलर कन्डक्टिविटी जो मैंने आपको बता दिया तो ये डिफिनेशन आपको देखने को मिल रहा है की मोलर कन्डक्टिविटी क्या है इस तरह से ये मोलर कनेक्टिविटी का यूनिट के बारे में आपने ये देखा सारा यूनिट यहाँ पर लिखा हुआ है रिलेशन बिटवीन मोलर कनेक्टिविटी स्पेसिफिक कनेक्टिविटी का ये एक फॉर्मूला है जिस फॉर्मूले से हमने बोला था कि दो, दो नंबर का नोमेकल पूछेगा ये फॉर्मूला आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा जो आपको दिख रहा है ठीक है इसे क्वेश्चन भी छोटा मोटा यहाँ पर कराया गया है जो आप देख करके प्रैक्टिस कर सकते हैं एक और न्यूमेरिकल देखो ये न्योमेरिकल मोस्ट इम्पोर्टेंट न्योमेरिकल है इसमें कुछ फॉर्मूले यूज किए गए हैं जिससे आपको काफी सहूलियत होगी इस क्वेश्चन को जरूर आप कर लीजिए एक दो बार प्रैक्टिस कर लीजिए कि वैल्यू कैसे पुट करते हैं तो मैंने ये समझा रखा है नोमेरिकल जितना हमने कराया है वही क्वेश्चन आपको करना है ये क्वेश्चन बार बार करना है इसी में से बोर्ड में आएगा द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये ठीक है इसी तरह का क्वेश्चन आएगा जो आ, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आप कर लेंगे फिर आपको दूसरी क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं है तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नाइन मार्क्स का ये रिविजन मैं आपको अभी करवा दिया सारे टॉपिक अब देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने आपको बताया थोड़ा सा डिफिनेशन ये फॉर्मूला ये न्यूमेरिकल जितने हमने दिया है उसको जरूर पढ़ लो

फायदा उठाना चाहिए आप लोगों को ये नोमेरिकल मोस्ट इम्पोर्टेंट है तो ये नोमेरिकल आप जरूर कर लीजिए देखिए नोमेरिकल इन तीनों फॉर्मूले को यूज किया गया है ठीक है तो इन फॉर्मूले से रिलेटेड आप जरूर क्वेश्चन कीजिए जिससे आपको काफी फायदे हो और 9 मार्क्स का जो क्वेश्चन है ये डिफिनीशन मैं पहले भी बता रखा हूँ बार बार मैं आपको सारी चीजें दिखा रहा हूँ ताकि आप भूले नहीं और इजिली

जो छोटा मोटा ये डिफिनेशन है क्योंकि देखिए नाइन मार्क्स का क्वेश्चन है तो नाइन मार्क्स में क्वेश्चन में आपको इस तरह से आप तैयारी कर लीजिए आपके सामने सारे मटेरियल दे दिया गया है ये देखो बड़ा अच्छा ये आ, मैंने टॉपिक बनाया फंक्शन ऑफ द सॉल्ट ब्रिज सॉल्ट ब्रिज का क्या फंक्शन है हमने चार पॉइंट यहाँ पर लिखा है चार में से एक भी पॉइंट पूछ देता है तो आप फंक्शन पूछ देता है तो कोई एक या दो आप लिख दीजिए एक नंबर में आ जाएगा कम से कम दो पॉइंट आप जरूर लिखिए जो फंक्शन हमारे जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है और बाकी तो टॉपिक रिपीटेड है रिपीटेड हमने आपको बार बार दिखा रहे हैं ताकि आप बार बार रिवीजन करें और इससे क्वेश्चन आपसे नहीं छूटे नाइन मार्क्स का क्वेश्चन है ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आप कर सकते हैं न्यूमेरिकल आपके सामने है तो सेम टॉपिक हम आपको बार-बार दिखा रहे हैं ताकि आप इजीली रिवीजन कर सकें ये रिवीजन वीडियो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की सारी टॉपिक आपको दिखाया गया ये क्वेश्चन के साथ कैन स्टोर न यू स्टोर कॉपर सल्फेट सोलूशन इन ए जिंक नो जिंक इज मोर रिएक्टिवर तो ये क्वेश्चन आपके सामने दिखाया गया बहुत सारे क्वेश्चन हमने आपको दिखाया यहाँ पर और सारी टॉपिक आपको मैंने बता दिया इस पूरे वीडियो में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो पूरे नाइन मार्क्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है देखो ये सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और बहुत ईजी है ये चैप्टर नाइन मार्क्स इजी आ सकता है देखिये ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है जो आप प्रैक्टिस करेंगे तीन नम, पांच नंबर का जो नोमिकल आएगा ये सब न्यूमेरिकल आपके स्क्रीन पर दिया गया है तो यही नोम आपको प्रैक्टिस कर लेना है बस आपका नंबर तैयार तैयार हो हो जाएगा कन, हो जाएगा मार्क्स का देखिए ये सारे फॉर्मूले हैं रिलेशन में पूछा जा सकता है रिलेशन बिटवीन कनेक्टिविटी रेसिस्टिविटी ये सारी है तो आपके सामने ये सारा मटेरियल अवेलेबल है तो इसको आप निश्चित रूप से एक बार दो बार तीन बार आप देख लीजिए तो ये याद हो जाएगा पढ़ लीजिए रेसिस्टिविटी क्या है इसका फॉर्मूला क्या है स्पेसिफिक कन्क्टेंस का फॉर्मूला क्या है यूनिट क्या है ये सब इस स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है तो एक बार जरूर इसको देखिए और इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए और हंड्रेड परसेंट क्या होगा कि नाइन में नाइन मार्क्स आपको मिल जाएगा चलिए आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं फिर अगले वीडियो में केमिकल करेंट इसका आपके पास एक समरी के फॉर्म में आएगा ओके बाय धन्यवाद